भजन गामत पसनी फिश हार्बर अथॉरिटी के मुलाजमीन एहतजाज पर बैठ गए। चार माह से तनख्वाहों से महरूम पसनी फिश हार्बर अथॉरिटी के मुलाजमीन अक्शन हॉल के सामने एहतजाजन बैठ गए। महकमा एजुकेशन ने आंखें फेर ली हैं, तो दूसरी जानिब क्लस्टर बजट भी स्कूलों की मखदूश हालत को बदल ना सका। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मस्तानी रेक बाजार के क्लासरूम्स अदम तवज्जही के बाइस खस्ता हाल होकर मुनहदिम हो रहे हैं। मकुरान कोस्टल हाईवे पर ओरमाड़ा के करीब बुजी टॉप से उतरते हुए तारकोल से भरा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। हमारे साथ तावुन किया है बाम पब्लिक स्कूल ग्वादर, अ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप्स। कॉन्टेक्ट 0333-439-361। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। तो आप भी आज ही MCB इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। MCB इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ BSM डेवलपर्स। अस्सलामुअलैकुम, मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर के अहवाल जानने के लिए एक नज़र आज की हाइलाइट्स पर। ग्वादर माहिगीर इत्तेहाद लेबर यूनियन के नौ मुंतखब सदर खुदादाद बाजू ने दीगर अहदेदारों जनरल सेक्रेटरी जलील अफजल, सरपरस्त आला अकबर अली रईस के हमरा डोरिया शेड में पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि ग्वादर माहिगीर इत्तेहाद की 3 साल जद्दोजहद माहिगीरों की बुनियादी हुकूक के तहफ्फुज़ से इबारत है। धीमी ज़र पर माहिगीरों के रोजगार को बरकरार रखना ग्वादर माहिगीर इत्तेहाद की अहम कामयाबी है। गोदी और गुजरगाहों की तामीरात अमल में लाई गई। इस तहरीक में सियासी जमातों की शराकत दारी के भी मुतमन्नी है, बिलखुसूस साबिक MPA मीर हम्मल कलमती, साबिक MNA असलम भूतानी, BNP के मरकजी सदर सरदार अख्तर जान मिंगल, नेशनल पार्टी के सेनेटर्स कबीर मोहम्मद शही और अकरम दश्ती ने सूबाई, कौमी और सेनेट के फोरम पर माहिगीरों की आवाज़ को भरपूर तवनाई बख्शी। माहिगीरों को लेबर का दर्जा दिया गया। ग्वादर माहिगीर इत्तेहाद माहिगीरों के बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। गैर कानूनी ट्रॉलरिंग बंद नहीं की गई तो सख्त एहतजाज करेंगे। अगर मुतालिबात मंजूर नहीं हुए तो अमली मैदान में उतरेंगे। ग्वादर माहिगीर इत्तेहाद लेबर यूनियन के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। BNP तहसील ग्वादर का वर्कर बॉडी इजलास जेरे सदर तहसील सदर नासिर मूसा मुनक्किद हुआ। वर्कर बॉडी इजलास में पार्टी के मरकजी कायम मकाम सदर एडवोकेट साजिद तरीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर, जबकि मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नसीर अहमद शाहवानी, साबिक MPA ग्वादर व सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मीर हम्बल कलमती व दीगर ने एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत की। वर्कर बॉडी इजलास में तंजीम साजी, मौजूदा सियासी सूरतेहाल और सवाल जवाब का सेशन रखा गया, जिसमें कारकुनान ने तंजीमी, मौजूदा सियासी सूरतेहाल और आने वाले इलेक्शन से मुतालिक कायदीन से सवालात किए। वर्कर बॉडी इजलास से BNP के मरकजी कायदीन ने खिताब भी किया। तंग आमद बजंग आमद पसनी फिश हार्बर अथॉरिटी के मुलाजमीन एहतजाज पर बैठ गए। चार माह से तनख्वाहों से महरूम पसनी फिश हार्बर अथॉरिटी के मुलाजमीन अक्शन हॉल के सामने एहतजाजन बैठ गए। मुलाजमीन का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने अगर तनख्वाहों की अदायगी नहीं की तो मुलाजमीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पसनी मीर नूर अहमद कलमती ने मुलाजमीन से इजहार यकजहती करते हुए सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया कि फिश हार्बर के मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। पसनी फिश हार्बर अथॉरिटी के मुलाजमीन का एहतजाज जायज है। सेक्रेटरी फिनांस के दानिस्ता तौर पर पसनी फिश हार्बर मुलाजमीन की तनख्वाहें रुकना तासुब और उनके मुआशी कत्ल के मुतरादिफ है। हुकूमत एक जरखेज खत्ते के बाशिंदों की 4 महीने की बंद तनख्वाहें जल्द रिलीज करवाए। नेशनल पार्टी हर मजलूम के साथ खड़ी है। नेशनल पार्टी के रहनुमा आबिद रहीम सोराबी की दी ग्वादर पोस्ट से टेलीफोनिक गुफ्तगू पर रद्द अमल। महकमा
एजुकेशन ने आंखें फेर ली हैं, तो दूसरी जानिब क्लस्टर बजट भी स्कूलों की मखदूश हालत को बदल ना सका। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल मस्तानी रेक बाजार के क्लासरूम्स अदम तवज्जही के बाइस खस्ता हाल होकर मुनहदिम हो रहे हैं। स्कूल के तालिब इल्म इम्तिहानी हॉल में बैठ कर तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए हैं। स्कूल में तालीमी सहूलियात मौजूद नहीं। मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने भी स्कूल को बेयारो मददगार छोड़ दिया। अब भी स्कूल के अंदर खड़े बारिश के पानी ने मुंतखब नुमाइंदों और इंतजामिया के सियासी फोटो सेशन का पोल खोल कर रख दिया। नेशनल पार्टी के वफद ने सूबाई माहीगीर सेक्रेटरी आदम कादिर बख्श की सरबराही में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और माड़ा के प्रिंसिपल मुख्तियार बलोच से उनके ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात में एजुकेशन कॉम्प्लेक्स और माड़ा पर लैंड माफिया के कब्जे के मामले और दीगर तालीमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जुहैब मोहसिन की सरबराही में ग्वादर पुलिस ने जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान डकैती व चोरी और फ्रॉड के केसों के मतलूब व मफरूर मुलजिमान को धर लिया। ग्वादर पुलिस ने तुम फाल ग्वादर के रिहायशी मुलजिम समीर वल्द बशीर को डकैती के केसों में, मील स्ट्रीट गार्डन वेस्ट कराची के रिहायशी मफरूर मुलजिम दोराज लाल वल्द रोशन लाल को फ्रॉडी के केस में और नागोमान वार्ड ग्वादर के रिहायशी गुलाब वल्द करीम बख्श को चोरी के केस में हिरासत में लिया। तर्जुमान ग्वादर पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद करके तफ्तीश शुरू कर दी गयी। एसएसपी ग्वादर कैप्टन रिटायर्ड जुहैब मोहसिन के हुक्म पर एसएचओ जहीर अब्बास की सरबराही में जीवनी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शियाबाद जीवनी के रिहायशी मुलजिमान गुलाम मोहम्मद वल्द इब्राहिम, राजिक वल्द जान मोहम्मद और सजा वल्द दाद मोहम्मद को मंशियात के केस में गिरफ्तार कर लिया। जबकि सदर पसनी पुलिस ने मंशियात फरोश नलेंट पसनी के रिहायशी मुलजिम करीम बख्श वल्द उमर को मंशियात के केस में गिरफ्तार करके बंद बहवालात थाना करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। ग्वादर एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल वेलफेयर सोसाइटी जियोस ग्वादर का महनामा अदबी दीवान जियोस के ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत जियोस के ऑर्गेनाइजर के बी फराग और मेहमान खास बलूचिस्तान प्रोग्रेसिव यूथ अलायंस के ऑर्गेनाइजर सगीर अमीन रहे। दीवान दो हिस्सों पर मुश्तमिल थी, पहला नसरी दूसरा महफिल मुशायरा का। नसरी हिस्से में उदवा ने अपने मजमून पेश किए, दूसरे सेशन महफिल मुशायरा रहा जिसमें शौरा ने अपने अपने कलाम पेश किए। दीवान की निजामत का फ्राइज जियोस के आरिफ नूर ने सरंजाम दिए। चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी की हिदायत पर जीपीए के सोशल सेक्टर की अब्दुल मालिक वाडू ने गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज ग्वादर के तालिब इल्मों और फैकल्टी मेंबर्स को ग्वादर पोर्ट और चाइना बिजनेस सेंटर के मुख्तलिफ शोबों का मुतालियाती दौरा कराया। दौरे के मौके पर फिनांस ऑफिसर अब्दुल मालिक वाडू ने सीबीसी में मौजूद ग्वादर फ्री जोन के मॉडल पर उन्हें ब्रीफिंग दी। प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज ग्वादर प्रोफेसर जहीर अहमद ने चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान बुलेदी की तालीम दोस्ती को सराहा और कहा कि इस तरह के मुतालियाती व मालूमाती दौरे तलबा के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। मकुरान कोस्टल हाईवे पर ओरमाड़ा के करीब बुजी टॉप से उतरते हुए तारकोल से भरा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। ताहम हादसे के सबब किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और साजिश लफ्जा की बुंजा का महाना महफिल मुशायरा गोराब लाइब्रेरी सुरबंदर में सदर आलिम सेफ की जेर सदारत मनकिद हुआ। महफिल मुशायरा के मेहमान खास मारूफ शायर अंबर समीन रहे। महफिल मुशायरा में शौरा ने गजल और नज़म पेश किए। आखिर में साजिश लफ्जा की बुंजा सुरबंदन के सदर आलम सैफ ने शौरा और उदबा से खिताब किया। नाजरीन ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट टीजीपी पर। मजीद खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट फेसबुक एक्स इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और टीजीपी की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।